नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि राज। किस हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर जारी की गई है। बहुत सारे किसान हैं जो कि अभी यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं और उनका जो यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आवेदन है वो अभी तक यहां पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। बहुत दिन यहां पर हो चुका है लेकिन अभी तक जो उनका आवेदन है वो किसी न किसी स्तर पर जो यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो मुख्यालय स्तर पे यहाँ पे जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का जिला स्तर से यहाँ पे जो एक्सेप्ट होने के बाद मुख्यालय स्तर पर अभी तक जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक महीना दो महीना हो चुका है लेकिन आवेदन जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दूं कि अभी जो है पीएम किसान में आप लोग का जो यहाँ पे आवेदन है उसको एक्सेप्ट करना यहाँ पे बंद कर दिया गया है। इसके बारे में अभी जो है आप लोग यहाँ पे सूचना निकल के आ रही है कि आप लोग का जो आवेदन है वो अभी जो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब किस तरीके से अभी जो आप लोग का आवेदन बंद किया गया है, कब से आप लोग का जो आवेदन है एक्सेप्ट होना शुरू होगा, सब कुछ मैं आप लोग यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे डेट कर सकते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना उसके कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे लोगों का यहां पे जो आवेदन है वो अभी तक यहां पे एक्सेप्ट नहीं हुआ है और साथ में अभी जो है फिलहाल उनका यहां पे आवेदन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। कुछ इस तरीके से अभी जो है उनके एप्लीकेशन में शो कर रहा है। मैं अभी जो है एक आप लोग को स्टेटस यहां पे दिखा रहा हूं। इसमें जो है आप लोग यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि आप लोग का जो आवेदन है उसको यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि फिलहाल यहां पे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा आप लोग का जो यहां पे आवेदन का डाटा है उसको यहां पे नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण से आप लोग का जो आवेदन है उसको यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अभी जो आप लोग यहां पे आवेदन करते हैं तो आप लोग का आवेदन तो हो जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई तो कर पाइएगा, लेकिन आप लोग का जो यहां पे आवेदन है उसको मुख्यालय स्तर पे यहां पे रोक दिया जाएगा। यानी कि मुख्यालय स्तर पे जाने के बाद आप लोग का जो आवेदन है वो फिलहाल यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है यह जो है आप लोग का केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल जो आप लोग का डाटा है उसको यहां पे नहीं लिया जा रहा है। यानी कि नए किसानों का जो यहां पे आप लोग का आवेदन है उसको यहां पे स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए जो है अभी आप लोग यहां पे आवेदन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। कुछ दिन तक आप लोग यहां पे समय लगने वाला है। अभी फिलहाल यहां पे जानकारी नहीं दिया गया है कि कब तक जो आप लोग का आवेदन है उसको यहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा। फिलहाल अगर आप अभी यहां पे आवेदन करते हैं तो आपके जिला स्तर से यहां पे जो आवेदन है उसको यहां पे एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ में आप लोग का 1 से 2 महीने का समय भी लगने वाला है। 1 से 2 महीने के बाद ही आप लोग यहां पे जो आवेदन है उसको यहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फिलहाल जो है केंद्र सरकार की तरफ से आप लोग का जो डाटा है उसको यहां पे नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण से अभी जो आप लोग का आवेदन है उसको यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहां पे आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद उनका जो यहां पे मोटेशन डेट है वो यहां पे नहीं रहने के कारण उनका आवेदन वापस कर दिया गया था और उनका आवेदन यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनका जब आप यहां पे स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पे आप लोग का दिखाता है कि अभी जो है केंद्र सरकार की तरफ से आप लोग का यहां पे डाटा नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण से अभी जो आप लोग का आवेदन है उसको यहां पे रोक दिया गया है। कुछ दिन के बाद जब यहां पे डाटा लिया जाएगा तो आप लोग का जो आवेदन है उसको यहां पे स्वीकृत किया जाएगा। तो अगर आप यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना चाहते थे तो अभी जो है आप लोग यहां पे आवेदन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अभी जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।